तो अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो मेरा जो फ्री चैनल है जो मैं जिसमें मैं शेयर करता रहता हूँ अपना कुछ ना कुछ। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, तुम लोग अमेरिका गए होंगे लेकिन मैं गया हूँ अमेरिका। ये लो अमेरिका, अपन पहुँच गए टॉप पर और यहाँ हो गई रोड खत्म। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब आप सारे बढ़िया होंगे। और आज है मंडे, मतलब आपके लिए मंडे, मेरे लिए संडे है आज, क्योंकि आप मंडे को देख रहे हो। आज आप कर रहे हो ट्रेड, ट्रेड करने से पहले मेरा पूरा ब्लॉग देख लो ताकि आपको कुछ नई एनर्जी मिले, ठीक है? तो अभी आज यार बहुत सारे मेरे नाम पे स्कैम होते, क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो भी मेरे नाम से आपको कोई मैसेज मेरी तरफ से पहले कोई भी मैसेज आ जाए है ना, मेरे आईडी ऐसे से, तो समझना वो सीधा सीधा फ्रॉड है, सीधा सीधा स्कैम। तो भाई बच के रहो, मेरे पास अभी बहुत सारे मैसेज आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके स्कैम्स हो रहे हैं। वो होता है ना ये क्रिप्टो करेंसी, ये वो बहुत कुछ हो रहा है, तो थोड़ा बच के रहो। बाकी अभी हम उठ के थोड़ा मुँह हाथ धो लिया, नहा लिया, और ये हमारे पास आगे एनी टाइम कमुदा अवेलेबल, एनी टाइम व्यू अवेलेबल। तो इनसे अगर पूछो कि कहाँ चले, ये कहीं ना कहीं लोकेशन बता देते हैं, वहाँ है जगह, वो वहाँ जाते हैं। जो कहा होता है उसका उल्टा मिलता है, एग्जैक्ट अपोजिट मिलता है। तो अभी हम सोचे जाने की कहाँ जाए। आज अपनी बेबी की साफ सफाई करने जा रहा हूँ, बहुत धूल होगी, चलो जान। और कुछ पैसे मिलेगा नहीं, अंगली करेगा ये देख, अंगली नहीं करता हूँ यार, ये स्टोव का बर्नर, स्टोव का बर्नर, ये देख 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 पूरा है ना, ये देख है इसको जाएंगे। मतलब सीधे जाएंगे, पता नहीं है कहाँ जाएंगे, तो जहाँ मिलगी जगह वहाँ रुक जाएंगे, ठीक है? तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, हमने कहाँ जाना है, तो हम सिर्फ जा रहे हैं अभी। हमारे आने का पता नहीं कहाँ से वापस आएंगे, कैसे घूमेंगे, और इन्हें मैं सफ़र कराना हूँ, मैं करवाने वाला हूँ उनको मौत का सफ़र है ना। ये अबे मोटे साइकिल लेके अपने आप ले, गाड़ी के जाओ, ये दो तो आ ही जाएगा है ना, ये साइकिल कभी चलाई भी है, मासी पहुंच जाएगा, स्टैंड भी नहीं हटाया उसने वो, ये देख तो। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, तुम लोग अमेरिका गए होंगे लेकिन मैं गया हूँ अमेरिका। ये लो अमेरिका, अमेरिका। और यहाँ पे हमारे पास कुछ डॉग दिख रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं बुल डॉग। ये ये देखो यहाँ पे कुछ डॉग, बेटे इनकी माँ आएगी अभी फाड़ देगी हमें। तो हम आ गए अमेरिका, और अमेरिका में हमें कुछ मिले बुल डॉग, अमेरिकन बुली। इनका कलर क्यों गया है? ये देख तो, अरे वाह, चलो चलो अभी बहुत दूर है, खतरनाक है। तो यहाँ पर लगा टावर, और हम आ गए थे अमेरिकन अमेरिका में, ये रहा हमारा अमेरिका, अमेरिका। और अमेरिका में हमने देख लिया अमेरिकन बुली, ठीक है? और यहाँ पे ये बन रहा है लोहे तार से, इसमें बीच पत्थर अटका के ऐसे ऐसे ये बनते हैं, ठीक है? वो जो ऊपर वाली दीवार है इसी से बनता है, तो चल रही प्रक्रिया। और तुम्हारा कमुदा यहाँ पे ब्रेक लेते हुए, एनी टाइम ब्रेक अवेलेबल, वहाँ पे वो है पूजा का, वो है वो साधन, पूजा का साधन नहीं है, ये पीपल का है ना। तो भी हमने यहाँ पे ले लिया चिप्स, टेंपरी हुआ ना है, और चिप्स चुप्स लगी, हमें कोई जगह मिली थी, और अब हम यहाँ पे से चिप्स खाते हुए निकलेंगे। हमने कोई एक जगह जानी है, मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, बट हम जहाँ जाते हैं घूमने, तो कब तक पहुँचते देखते हैं। तो आते आते रास्ता खत्म हो गया है, और वो कहाँ कहीं ऊपर है मंदिर, पहाड़ों में टॉप में जाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे इस सालों मेरे को मिले, मैं इसको खाने जाऊँगा, और एंड पूरी जनता चप्पल मार गई, मैं भी चप्पल मार। तो यहाँ पर गांव पर आ गए, उधर गांव वाले लोग भी दिख रहे हैं। क्या इस नल का पानी है? मैं दुकान ले छुआ। तो अपन पहुँच गए टॉप पर, और यहाँ हो गई रोड ख़त्म, पीछे का देख लो तुम नज़ारा, पूरा का पूरा। तो यहाँ पे धूप अगरबत्ती लेके हमें जाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं जाते मंदिर में। तो भी अपन लोग यहाँ से सीधे पैदल पैदल जाएंगे है ना, कुछ शहर से आए थे मेहमान बन के अपने पहाड़ों में, अपने ही पहाड़ मेहमान बन के, हम तो नहीं आते भाई, हमार ले तो हमारे पहाड़ी जो है सब कुछ, हम कितने ही बड़े बन जाएंगे, लेकिन हम मेहमान बन के गांव वालों के सामने चसा बन के नहीं घूमेंगे ऐसे ऐसे, लग भाई हम ऐसे घूमने आए। और वहाँ का मौसम देख लो सामने भाई साहब, ये पूरा का पूरा दीवानी वाल छो दियो है, वो था दीवाड़ी वाल छू, मतलब
जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर पे, हमको जल्दी जल्दी जान पड़ा। ये काफल नहीं है यार, हिसाल इसको खाते हैं पहले हम। काफल नहीं और ये देखिए, ये देखो हिसालू, ये काफल नहीं है, काफल ये देखो, काफल ये देखो, काफल है जिसको काफल खाने आ जाना जून की छुट्टियों में। जून की छुट्टियों में पहुंच जाना भाई, ठीक है, पहाड़ों की तरफ। मीटअप भी करेंगे, वर्कशॉप भी करेंगे, स्टॉक बंदर के साथ सीखेंगे भी, काफल भी खाएंगे, पहाड़ों में भी जाएंगे। ओके, तो ये हम पहुंच गए हैं माता नैथना देवी मंदिर इस बोर्ड में। ये देखो, ये और ये रहा टॉप में, काफी टॉप है, बहुत ज्यादा हाइट है, और ये पूरे गांव की सप्लाई के लिए टंकी लगी हुई है। देखो तो पहुंच गए मंदिर पे भाई, बहुत थकान होती है पहाड़ पे, कुर्सी में बैठ बैठ के ना, ट्रेडर लोग क्या करोगे कुर्सी में बैठ के यार। देखो आओ, देखो पानी फसलास, ऐसे कीचड़ में पैर डुबाने में तो अलग ही मजा आता है। जहाँ पानी देखता हूँ ना वहाँ मेरे को खुजली होती है, वो पानी को, पानी में कूदने की, कीचड़ करने की। जैसे मेरे कुत्ता है ना स्कूबी, वो बड़ा खुश हो जाता है पानी देख के। ऐसी मेरी बचपन में हम टंकियाँ देखते थे पानी की, उसको खोद देते थे, उसके पाइप वाइप को खोल देते थे। तो पहुँच गया भाई मंदिर। हेलो, अभी मंदिर कितने टॉप में है देख लो आप, ग्राउंड भी यहाँ पे। तो हम ये वाली रोड से आए हैं जो दिख रहा है, और हम काफ़ी ऊपर आ गए, देखो बहुत ज़्यादा टॉप पे है मंदिर, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारे, ठंडी हवा, वो भी धूप में। तो ये मंदिर का पीछे वाले साइड, और यहाँ पे जो मंदिर में पूजा पाठ होते हैं उसकी जो व्यवस्था होती है, सामग्री सब यहाँ पर से होती है। और यहाँ पर डंकंटिया चढ़ाते हैं लोग, मतलब कुछ लोग की जैसे कुछ क्या मांगते हैं, विश, मनोकामना होती है, कहते हैं हमारा ये पूरा हो जाए तो हमें ये घंटी चढ़ाएंगे, तो चढ़ाते हैं, सभी ने चढ़ा रखी है यहाँ पर घंटिया, है ना, नंबर वाइज उसमें लिखा हुआ कितनी घंटियाँ चढ़ी हुई यहाँ पर। और इस मंदिर से पीछे को पूरा उस साइड बाईस हो रही है, देखो वहाँ पर दिख रहा है वो वाला एरिया बाईस हो रही है। और ये अभी हमारा हो गया है पूजा पाठ मंदिर के अंदर, भक्ति भाव से आना चाहिए, वहाँ फोन फान लेके नहीं जा सकते। बाकी यहाँ पर देखो फूल बड़े ज़बरदस्त लगा रखे हैं, गेट बनाया हुआ है, गेट बनाया, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन में है ये पूरा मंदिर। और पहाड़ों में जो मंदिर है, कितने प्रकार के गुलाब है, हाँ अलग अलग, अच्छा लगा था। तो पहाड़ों में जितने भी होते हैं, व्हाइट रोज और वही रेड रोज, पिंक रोज ही तो है, कितने प्रकार के, क्या दो प्रकार के हो गए, जितने भी मंदिर होते हैं पहाड़ों में सारे सारे टॉप में होते हैं, टॉप में चार है बस वो, क्योंकि टॉप में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए पहाड़ों की ऊंचाइयों में टॉप में, तो सारे मंदिर मैक्सिमम मंदिर आप देखेंगे वो सारे टॉप में ही रहते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है टॉप में, और मैं पहली बार आया हूँ इस जगह पे, तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ की टॉप की टंकी पे, ये उससे टॉप वहाँ नहीं चढ़ सकते, और यहाँ से पूरा मंदिर आपको दिख रहा होगा। ये लो, तो अभी मंदिर से हो चुके हैं, होते हुए आए हैं, और अब निकलते हैं नीचे को। तो ये अभी हमें दूसरी लोकेशन बता रहे हैं कमुदा, ये हमारे वो हैं गाइड, तो अभी अपन आ गए दोहाट में, और ये अपन का दोहाट, उन लोगों का दोहाट है यहाँ पे। उधर बारिश होगी, देखो जो हम बोले थे ना उस पहाड़ों से हम आए हैं वहाँ बारिश होगी, यहाँ भी नहीं हुई है, यहाँ होने वाली है। और यहाँ पर भी रेस्टोरेंट बहुत कम है, तो एक होटल पर आए, और यहाँ पर ग्राउंड भी है यार, क्रिकेट खेलने वाला ग्राउंड भी है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा इस तरीके का है दोहराट। तो अभी यहाँ थोड़ा सा अपन कुछ खाएंगे खाना वाना, फिर निकलेंगे घर को, क्योंकि बारिश आ रही है, ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तो देख लो ऊपर मौसम भयंकर हो रहा है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से अब। तो फाइनल दोस्तों आ गए घर पर, है ना, कभी बारिश आ रही, कभी धूप आ रही, मौसम बदल रहा है, और हम पहुँच गए हैं घर पे, पे ला के आए हैं हम रेड बुल, बहुत दिन बहुत टाइम बाद मिला है, ये अपने यहाँ मिलता नहीं है रेड बुल, ये उधर दो आठ से लेके आया है। तो भी लाइव क्लास था, लाइव क्लास अपना जो चलता रहता है, मेरा जो स्टूडेंट हैं क्या बोलते हैं मेंटोरशिप लाइक गाइडेंस, इनको मैं देता रहता हूँ लाइव क्लासेस में, मेरे ज्वाइन कर रखा है जिनने, तो किया था, और करते करते मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया, कोई बात नहीं। बाकी अभी जो है एक ट्रेडर कम्युनिटी के साथ अपना बातचीत है, है ना, वो भी आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी कुछ मैं ट्राई करूँगा कि उसमें मैं काफ़ी रिलेटेड टू द स्कैल्पिंग, रिलेटेड टू द ट्रेडिंग स्टाइल जो मैं फॉलो करता हूँ उस, वो बताने की,
ठीक है, वो अभी करना है। तो सेटअप अपना पूरा रेडी है यहाँ पे, और अभी क्लास हुआ अभी वो करना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा वो भी बताना कि आप जो स्कैम्स हो रहे हैं उससे अवेयर रहना, और किस किस तरीके का हो रहा है, ताकि आप थोड़ा सा संभल के चलो, वो भी मैं बताऊंगा। और मेरे नाम से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और मेरे ही फॉलोअर्स को, मेरे ही फ्रेंड्स को, मेरे ही वो आप फेक बना के मैसेजेस किए जा रहे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगा थोड़ी देर बाद। तो पहले मैं वो कर लेता हूँ, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, फिर मिलता हूँ। तो अभी हो गया अपना एक मीटिंग, जो कुछ टाइम बाद आपको जल्दी देखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ अच्छा मैंने ट्राई किया है रिलेटेड टू द स्कैल्पिंग, मैं डिस्कस कर सकूं, एंड वो अपडेट कर देंगे आपको कहाँ आउट होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, काफ़ी अच्छा, मैं फॉलो किया करता था, तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और मेरी ऑडियंस भर भर के प्यार देना जब आउट हो जाएगी चीज़ें। और जो स्टॉक वाला जो वीडियो देखा था मैं, उस पर भी देख रहा था, उसमें अराउंड 1 मिलियन व्यूज जाने वाले। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने उसमें काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया, पॉजिटिव कमेंट्स दिए उसके नीचे मेरे को। मैं देख रहा था काफ़ी सही लग रहा था। एक आपने जो जिस तरीके से अप्रिसिएशन दिया है, जिस तरीके से आपने उसमें बताया आप लोगों ने कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा किया, हैट्स ऑफ, ये मतलब काफ़ी जिगरा है भाई। मैं बहुत सारे ऐसे तगड़े कमेंट आए थे, तो मतलब मजा आया सुन के। तो मतलब कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आया था कि हाँ मजा आया, मतलब सही कर रहे हैं। तो बाकी मेरा ऐप आप डाउनलोड करके देख दिए, मैंने कहा है कि आपको फ्री कंटेंट जो मैं रिलेटेड टू द हर कोई महंगे महंगे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो सब चीज़ सीखना वही है जो हर जगह मिल रहा है। तो मैं आपके लिए सिस्टमेटिक अप्रोच मैं लेके आ रहा हूँ, कैसा आप डीमैट अकाउंट ओपन करने से लेकर एक कंप्लीट ट्रेडर बनने तक कितना आपको वो रिक्वायरमेंट है नॉलेज का, क्या क्या चीज़ आपको एटलीस्ट सीखनी जरूरी है, वो मैं लेके आने वाला हूँ। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार एटलीस्ट आपको ऐसा कुछ दिखे तुरंत रिपोर्ट मारो, या हमको बताओ, मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे इसमें ऑफिशियल ईमेल वगैरह दे रखा, लिंक्स मेरे ऑफिशियल है सारे, उसमें आप शेयर कर सकते हो। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप ऊपर से स्टॉक बर्नर सर्च करते हो इंस्टाग्राम पे, तो इतने सारे आते हैं, देखो स्टॉक बर्नर सब प्रीवियस मेरा लोगो कॉपी करके, मतलब ये अपने लगा लो के बैठे सब स्कैमर। और मेनली जो आपको बात करनी है, देखो मेरी पर्सनल आईडी कैसे भी उठा के, ये देखो, मतलब इतना मेरे को खुद ही डाउट हो जाता है मैं कौन सा हूँ। तो स्टॉक बनने इस वाले प्रोफाइल को भी लगा के एक दो इन बना दिए नए अलग अलग टाइप के, तो कोई कमी नहीं है। इसीलिए लोग को ये डाउट होता है कि यार स्कैम होता है, स्कैमर होते हैं, इसीलिए होते हैं। अब जो जनरली बंदा सीखना चाहता है, करना चाहता है, वो भी डर जाता है कि स्कैम हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी आईडी में जाओगे, ये था मेरा, इसमें 89.3 के अप्रोक्स अभी फॉलोअर बेस है इसमें। और आपको क्या बोलते हैं, अगर प्रोफाइल के अंदर चेक करना है कि क्या है, रील सेक्शन में जाओ, ये आपको व्यूज़ इसमें मिल जाएंगे, इस तरीके के व्यूअरशिप रहती है ना, मैं कंसिस्टेंट डालता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्या बोलते हैं ऑफिशियल इंस्टाग्राम, इसी पे आप जाओगे स्टॉक बर्नर ये अंडरस्कोर ऑफिशियल, बस इसमें मेरी प्रोफाइल है। ये डिटेल्स अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये मेरा पर्सनल आईडी है, और मेरे पर्सनल आईडी से भी काफ़ी सारे फेक बन चुके हैं, जो कि मेरे ही फ्रेंड्स को वो कर रहे थे, कुछ मैसेज वगैरह करते हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके के करेंगे आपके साथ, तो बच के रहना है। तो इस तरीके जैसा मेरा दोस्त था हिमांशु, इसके आए थे मेरी आईडी पर्सनल आईडी में, ऐसे करके आपको ऐसे प्रतिक्रिया इतना देंगे इस तरीके से, पूरा प्योर हिंदी में लिख रहा है अगला भाई। ये देखो मेरी पर्सनल आईडी का ऐसा फेक बना दिया इनने, ट्रेडर पहाड़ से करके ही मेरा जो पर्सनल आईडी उसका ही फेक बना चुके हैं, और इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। ये देखो क्या कह रहा है, आप मेरे इस अनुयोग में ऐसा है, एक है अपनी इतनी हिंदी लिखी मेरे को ही समझ नहीं आ रही, तो इसको इस तरीके से मैसेज करा था भाई ने, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, इसने मेरे से पूछा फिर कि भाई ये तेरा ही अकाउंट है क्या, तो मैंने बता दिया नहीं यार फेक है। तो इस तरीके का हो रहा है। तो अगर टेलीग्राम पर जाओगे तो मेरा जो फ्री चैनल है, जो मैं जिसमें मैं शेयर करता रहता हूँ अपना कुछ ना कुछ, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी कुछ नहीं देता मैं, कोई बिग बार जो स्ट्रेटजी थी उसमें क्या क्या मैं ट्रेड्स मिल रहे हैं वो शेयर किया था, बाकी मैं अपनी कुछ ये मेरा ट्विटर था ये है करके, इसमें 7,911 सब्सक्राइबर, यही है मेरा जो फ्री चैनल है ना, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो यही है। इसके अलावा एक ही बिग बॉस स्ट्रेटजी वाला है, ये जो स्ट्रेटजी में वो बंदे इसमें खुद ही आ जाते हैं ऑटोमेटेड, बाकी इसके अलावा जितने भी ये आपको दिख रहे हैं ये 24,000 33,000 37,000 स्टॉक बर्नर 30,000 इतने भाई इतने हैं इसमें। मेरा जो चैनल है ये है भाई 7,911 लोग हैं इसमें, बस इन जो फेक बने हैं इसमें इतने 100,000 ये ओरिजिनल हैं, फेक जुड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भाई इसमें मत जाना। और जितने भी स्टॉक बने टाइम जगह से आप जुड़े हुए, कोई भी जुड़ा है आपका यार दोस्त ऐसा वैसा, तो भाई
मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आपका इस पे ओन रिस्क हो जाएगा अगर आप कहीं भी ऐसी चीजों में फंस के पैसा देते हो, कहीं पे भी सोच के दे रहे हो कि यार इसने बनाए हैं, ये बना के दे सकता है, ऐसा ऐसा ही सही दे रहा होगा, बच के रहना। तो इतने सारे फेक हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कहीं ना कहीं इसको कैसे वेरीफाई होता है, किस तरीके से होता है, मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो आप बता सकते हो कि किस तरीके से हमें वेरीफिकेशन इसमें मिल सकता है, या किस तरीके से वेरीफाइड टेलीग्राम मेरा हो सकता है, या मैं टेलीग्राम ही उड़ाऊँ, मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बट टेलीग्राम में भी बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, अराउंड 7000 ना 8000 के अराउंड है, तो इससे आप बच के रहना। बाकी आज का दिन मेरा ऐसे ही था, ठीक है। और ये स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, मैं नहीं चाहता किसी कोई ऐसा फंसे, और स्टॉक मेरे नाम पर हो रहा है, तो बिल्कुल सेफ रहें दोस्तों। बाकी इंस्टाग्राम पे मैंने आपको दिखा दिया है, सब जगह दिखा देगी क्या क्या हो रहा है। जितना ज्यादा आप सेफ रहोगे, जितने ज्यादा आपको ऐसे स्कैम्स मिलेंगे, ऐसे फ्रॉड्स मांगेगा जो मेरी तरफ से कुछ भी कहेगा, ये टॉप टिप कॉल कहीं भी दे गई है मेरी तरफ से, सीधे स्कैम मारो, सीधे उसको रिपोर्ट मारो, ठीक है। बाकी मेरा ऐप डाउनलोड करके रखो, इसलिए मैंने अपना एक ऐप बना रखा जो पर्सनल होता है, जो भी होगा ऐप के अंदर होगा। किसी टाइप की अगर कुछ मैं वहाँ पर कोई पेड चीज़ ला रहा हूँ, फ्री चीज़ ला रहा हूँ, सब ऐप के अंदर होगा, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। बाकी आपको ट्रेडिंग करनी है, डीमैट अकाउंट खोलना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, आया ना। और आप मेरे को देख के अगर सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उनसे खोल लेना है यार, क्या होगा थोड़ा सा मेरे को हमारा ब्रोकर जो रेफरल एंड अर्न वाला दे देगा मेरे को थोड़ा बहुत, ठीक है, आने वाले टाइम में। बाकी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, घंटी बजाओ, 100 के होने वाले, मीटअप रखने वाला है तुम्हारा भाई, ठीक है, हम रिटेल ट्रेडर मिलेंगे कहीं पे, बड़ा जबरदस्त मजा आएगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि कैसे मैं वेरिफिकेशन अपना करवा सकता हूँ, कैसे इन स्कैमर से बचा जा सकता है, और कैसे आप और अपने आसपास भी जो भी ऐसे स्टॉक बंदर से जुड़े हैं ऐसे स्कैमरों से, उनको अवॉइड करना, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, जय हिंद।